इतना कुछ अचीव करने के बाद भी लोग शायद मेंटल इश्यूज से, डिप्रेशन से जंग हार जाते हैं। ऐसा क्यों किया होगा ये तो हमें भी नहीं पता, पर जो लग रहा है ऊपर ऊपर से वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अभी कोई नोट नहीं मिला है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मगर सुसाइड क्यों ही कोई आदमी करता है? वो आदमी परेशान होता है, वो थक चुका होता है, वो लड़ना नहीं चाहता। क्या क्या दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं आपको ये देख कर कि AIR1 2017 जो था, डॉक्टर MBBS कर चुके थे वो, डॉक्टर नवदीप सिंह नाम है शायद उनका। उसके बाद वो मौलाना आजाद से रेडियोलॉजी में MD कर रहे थे। रेडियोलॉजी टॉप मोस्ट ब्रांच, कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी में फाइट रहती है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी लोग शायद मेंटल इश्यूज से, डिप्रेशन से जंग हार जाते हैं। ऐसा क्यों किया होगा ये तो हमें भी नहीं पता, पर जो लग रहा है ऊपर ऊपर से वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अभी कोई नोट नहीं मिला है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मगर सुसाइड क्यों ही कोई आदमी करता है? वो आदमी परेशान होता है, वो थक चुका होता है, वो लड़ना नहीं चाहता। अगर 4 सुसाइड हो रहे हैं तो शायद 400 लोग जो है वो बिल्कुल एज पर लटके हुए हैं, बस वो सुसाइड कर नहीं रहे हैं। वो मरे हुए तो अंदर से उतने ही है जितने वो 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो हम एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, ये किस कैसा हमारे बच्चों के लिए कैसा समाज बनाया है हमने, कैसी सोसाइटी बनाई है कि हमारे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। और मतलब सुसाइड जो भी कर रहा है सब खराब ही है। शॉकिंग इसमें ये कि जो AIR1 ला चुका है, AIR1 ला चुका है, वो पिनेकल देख चुका है, वो टॉप देख चुका है, क्या हमने उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी और वो जो है अपनी एक्सपेक्टेशन पे अपनी नजरों में नहीं खरा उतर पाया? या क्या प्रॉब्लम है? इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है बच्चों। आपकी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब दुनिया में कोई रैंक, कोई एग्जाम, कोई कुछ कुछ भी नहीं है। अगर जो है जान आपकी दांव पे लगाने पे आ जाए तो आप साइड में हट जाना, बोलना मेरे को दे दो अपनी जिंदगी, बाकी सब हटा दो साइड में। कभी भी ऐसा फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचना कि मैं क्या क्या मैं तोल रहा हूं। अपनी जान से बड़ा कुछ भी नहीं है बेटा। कभी भी ऐसे थॉट्स आए हेल्प मांगो, हेल्प नहीं मांगते हैं लोग, बात नहीं करना जानते हैं। पता नहीं हमारे अपने बच्चों को ये सिखाया ही नहीं कि कभी गिर जाओ, कभी कभी जो है कुछ परेशानी में फंस जाओ तो हेल्प मांग लेना किसी से, आसपास से कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई यार, कोई तो होगा जो तुम्हारी बात सुनेगा। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग? बेबी जो हम समझ रहे हैं वो वजह रही ना हो, कोई और वजह रही होगी। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कोई और वजह रही होगी। भाई हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जो आदमी AIR1 ले आया उसकी लाइफ में बहुत, वो एकदम सेलिब्रिटी जैसा उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ होगा उसकी लाइफ। और ऐसा भी नहीं उसकी लाइफ खराब चल रही थी, उसने MBBS कंप्लीट किया AIR1 लाकर। उसके बाद वो मौलाना मौलाना आजाद कॉलेज दिल्ली, टॉप मोस्ट कॉलेज है PG करने के लिए भी, तो वो वहां पर जो थे, रेडियोलॉजी टॉप ब्रांच है। तो लाइफ ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसीलिए ये टॉपिक उठा के मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि सब कुछ परफेक्ट अगर कभी कभी लग रहा होता किसी की लाइफ को देख के अपन को, यार क्या लाइफ है इनकी, तुम नहीं हो उसकी जगह पर, तुम नहीं फील कर सकते उसकी जगह पर। हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर ऊपर से सब अच्छा लग रहा है तुम्हें देख कर कि यार इसके पास जो जो चीजें हैं सब मेरे पास होनी चाहिए थी, पर तुमने जो है देखा नहीं शायद उसकी जगह जाकर। लाइफ में प्रॉब्लम, लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, कभी भी कुछ भी 100% सच सही नहीं हो सकता। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो फिर तुम्हारे जीने का मन खत्म हो जाएगा, जीने का मन खत्म हो जाएगा। लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम है भैया। कोई भी आदमी है 100% तो कभी सही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ जो है खराब रहेगा और उसे तुम बनाते रहोगे पूरे टाइम। तो भैया कोई भी ऐसा स्टेप उठाने से पहले 1000 बार सोचना प्लीज। स्टूडेंट लाइफ में हो, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको इजीली ऐसे गवाते नहीं है। पता नहीं क्या जो है ये कैसे हम कहाँ भटक गए हमारे रास्ते से कि हमने एग्जामों को ज्यादा तवज्जो दे दी, हमने जो है समाज को ज्यादा तवज्जो दे दी, अपने बच्चों की लाइफ की जो है इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों इतने ज्यादा सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं? मेंटल हेल्थ है तो इसको, इस पे बात करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ इशू है तो अगर बच्चों को डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उस पर भी बात करनी चाहिए। जो भी सॉल्यूशन होना चाहिए निकालना चाहिए। चांद पे जाना और मार्स मिशन करना, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद मुझे लगता है कि रिसर्च करनी चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है और ये ट्रेंड बढ़ता क्यों जा रहा है। ये एक एंकर इसलिए है AIR1, भाई जो बच्चा सुसाइड कर रहा है, अगर वो कोई AI नहीं भी लाया और वो सुसाइड कर रहा है, उतनी ही खराब बात है जितनी ये खराब बात है। मगर ये जो है ये चीज शो करती है कि अगर ऊपर से आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, किसी को देखिए कि यार ये तो मतलब इसकी लाइफ तो सेट है, इसकी तो लाइफ सेट है,
इसने तो सब कुछ कर लिया है, जरूरी नहीं भाई उसकी लाइफ में सब कुछ सेट हो, कुछ ना कुछ खराब हो सकता है और तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कभी मन में ऐसे ख्याल आए तो अपनी मत सोचना, अपने घर वालों की। देखो सुसाइड करने वाला तो कर जाता है, लाइफ खत्म हो गई, उसने तो चाकू लिया, काट लिया, अपने को लटका लिया, 10 सेकंड तड़पता है, बॉडी शांत हो जाती है और वो खत्म हो जाता है। मगर जो वो पीछे छोड़कर चला जाता है, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स, उसके चाहने वाले, उसके दोस्त, उसके यार, उनके उन पे क्या बीतती होगी ये सोचो यार। तो कम से कम अपनी ना इतना ज्यादा सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए कि तुमने जो है इमोशनल होके या उसमें जो है मोमेंट में आके तुमने ऐसा स्टेप उठा लिया जिससे तुम पीछे नहीं आ सकते दोबारा, और तुम तो चले गए, मतलब तुम्हारी तो लाइफ लाइन खत्म हो गई, तुम्हारा तो दी एंड हो गया। मगर जो पीछे लोग छूट गए उन पे तुम क्या इंपैक्ट डाल के गए? इनकी बात करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो है बहुत सारे बच्चों के पंजाब में, पंजाब से रहिए, बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने इंस्पायर किया कि भाई एक छोटी जगह से आके AIR1 लाई जा सकती है, सिख कम्युनिटी से थे ये, तो ये बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल रहे होंगे। अब उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी वो सोचो, कि हमारे रोल मॉडल ने सुसाइड कर लिया सब कुछ परफेक्ट होते हुए, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि सब सब कुछ परफेक्ट होता है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लाइफ इज नॉट परफेक्ट। और ये आपको डेवलप करना पड़ेगा बेटा, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, अंदर एटीट्यूड में लाना पड़ेगा कि क्या हुआ, जो चीजें खराब हैं, चीजें खराब ही होती हैं, उनको सुधारना पड़ता है। कभी भी ऐसा स्टेप मत लेना प्लीज बेटा, कोई और ना मिले तो मुझसे बात कर लेना, पर सोचना 10 बार। और ये एग्जाम, ये JEE, ये नीट, ये बहुत छोटी चीजें हैं लाइफ के लिए। हमें सिखाया जाता है बचपन से, हमें सिखाया जाता है बचपन से कि पता नहीं कितनी कितने जिंदगियों के बाद इंसान की जिंदगी मिलती है, पता नहीं कितने जो है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं, तब जो है कोई बहुत जो बड़ी बात होती है कि इंसान की जिंदगी मिलती है, नहीं तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी मिलती रहती है, पता नहीं कितने हजारों उसके अंदर। तो भाई इंसान की लाइफ की वैल्यू भी तो करो, तुम्हें एक लाइफ दी गई है, तुम्हें एक लाइफ दी गई है, उसकी वैल्यू कौन करेगा? उसको फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हो? सिर्फ ये नौकरियों के चक्कर में नीट नहीं हो पा रहा, इंजीनियर नहीं बन पा रहे। हाँ देखो किसी ने बताया बिल्कुल सही, 84 लाख योनी के बाद सोच लो कितनी कम पॉसिबिलिटी है तुम्हें, तुम जिंदा हो, तुम बात कर पा रहे हो, तुम सुन पा रहे हो, यू आर इन अ ह्यूमन बॉडी, ये क्या कम चमत्कार है? अपने ऊपर मानो ना चमत्कार, इसको बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत ज्यादा। जब 84 लाख योनियों में एक तुम जो है जन्म लेकर आए हो, फिर तुम 25 लाख बच्चों में नीट लिखने में क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबरा? तुम ऑलरेडी विनर हो, तुम ऑलरेडी विनर हो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लीज बच्चे इन चीजों को ध्यान रखो यार, ऐसा मत करो, अपनी जान मत लो अपनी जान बिल्कुल भी जो है। और अपने आसपास भी लोगों को जो है मॉनिटर करो, खुद भी जो है ध्यान रखो इस बात का, कोई भी अगर जैसे बुरा फील कर रहा है, सवाल नहीं हो रहे ना, नहीं हो रहे सवाल, सवाल इज अ डेड थिंग, यू आर अ लिविंग थिंग, हाउ कैन यू फील बैड अबाउट समथिंग विच इज डेड? ये लिख दिया मैंने, सवाल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा यार, कल कर लेना, ये सवाल होने के लिए बनाया गया है, ऐसे तो नहीं ये सवाल नहीं होने के लिए बनाया है। तो सवालों से जो है देखो, सवालों से लड़ो, वॉरियर की तरह लड़ो, उनसे झगड़ो, उनका बुरा मत मानो। पर यार मैं तो कितना बेकार है सर, कितना बेकार पढ़ाते हैं, मुझसे कुछ सवाल नहीं होता, ऐसा क्यों बेकार है, पेपर कितना खराब है, फिजिक्स कितनी खराब है, ऐसा क्यों सोचते हैं? रे बाबा कोई खराब नहीं है, ये इसको पार करना जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए, ऐसा समझो। इट्स अ हर्डल, इसको लगाया गया है ताकि बाकी के बच्चे छट जाएं जो कि लायक नहीं है। ये हर्डल इसलिए लगाया गया है, फिजिक्स नाम का, केमिस्ट्री नाम का, बायोलॉजी नाम का, ये नीट एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है कि छांटा जाए, जो लायक है वही पहुंच पाए। ये अलग गेम है, तुम हो लायक तो पहुंच जाओगे, नहीं लायक हो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां जो है लायक लोगों के साथ कोई नालायक आदमी फंस जाता है तो वो जो है उसके लिए बहुत खतरा होता है वहां पे, फिर क्योंकि वो 4-5 साल MBBS में घिसट घिसट के चलता है फिर, क्योंकि वहां पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां पर 200 नंबर ला रहे हो, 300 नंबर ला रहे हो, 400 नंबर ला रहे हो, और तुम्हें कि यार मेरा तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा मुझे, क्या होगा तुम्हारे साथ? कि अगर तुम गलती से मौलाना आजाद में पहुंच गए, वहां सारे बच्चे 650 675 वाले होंगे, उनका IQ है उतना डेवलप्ड, वो है इस लेवल के बच्चे। अब जब एग्जाम होगा ना, तुम्हें जो है वो पूरे टाइम तुम लास्ट आओगे, क्लास में छोड़ो कॉलेज में, और वो लाइफ झेलना, या तो उस लायक बनो कि वहां उनसे फाइट कर सको, या फिर जो है छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, कुछ और कर लेंगे, कोई डॉक्टर ही सब सब सारी सबसे बढ़िया लाइफ पूरे दुनिया में डॉक्टरों की होती है क्या? नहीं भाई, इवन डॉक्टर की लाइफ बहुत टफ होती है, बढ़िया लाइफ तो बिजनेसमैन की भी होती है,
बढ़िया लाइफ तो जो दूसरे लोग हैं उनकी भी होती है, इंजीनियर्स की भी होती है बढ़िया लाइफ, सबकी बढ़िया, डॉक्टर्स की भी बढ़िया लाइफ होती है, बट सिर्फ उन्हीं की बढ़िया नहीं होती, मैं ये कहना चाह रहा हूं।